चलो फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्यम, फलाय फलाभ्यम, फलेभ्य फलात फलाभ्यम, फलेभ्य फलस फलियो फलानाम, फले फलेयो फलेसु, हे फल हे फले। देखो ये तरीका से, यदि आपको अच्छा लगता है ठीक, नहीं तो ऐसे याद कर लो। अब कैसे, मतलब विभक्ति में याद कर लो। पहला फलम फलम फले फलाय फलात फलस फले हे फल। देखो यहाँ से ध्यान रखना है, फल एन लाय लात लस ए, ऐसे ही याद करना है ठीक। तो फलम फले फलेन फलाय फलात फलस फले हे फल, याद हो गया। फलम फलम ऐसे याद करो, देखो ऐसे ये आसानी से याद हो जाए, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। तो फलम 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 फलेन फलाय फलात फलस फले हे फल। अब यहाँ से फले फले फलाभ्यम 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 फलेव फलेव हे फल हे फले ठीक। फलान फलान फले फलाभ्य फलाभ्य फलाना फलेश हे फलान। तो बहुत ही आसान है, मतलब किसी भी चीज़ को यदि आपको याद करना है, इसको एक या दो बार लिखो, उसके बाद दो तीन बार पढ़ो, उसके बाद उसको ढको, फिर से देखो। और यहाँ पर देखो ये तीन शब्द एक ही बार में है, एक लाइन ये भी एक ही है, और ये लास्ट वाली लाइन भी इसमें हे लगा है। देखो हे फल हे फले हे फलान, ऊपर वाली ही लाइन है, सिर्फ हे लग गया है बस। तो तीन लाइन तो ऐसे ही समाप्त हो गया। और इसमें देखो ये तीनों एक जैसे, इसमें ये दोनों ठीक, और यहाँ पर ये दोनों, बाकी यही तो याद करना है। अब ये दो नंबर का आता है, ऐसे पूछेगा कि फलाद किस विभक्ति का कौन सा वचन है, आंसर कर दो। दो नंबर का तो फलस कौन सा पूछे, फलाद, तो ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है। या ऐसे पूछ लिए फला नाम ये किस विभक्ति और किस वचन का है, तो फला नाम बहुवचन का है, और विभक्ति का बात करें तो खष्टी का, कौन सा खष्टी का ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब पूछ लिया जाए कि फलाए फलाए किस विभक्त का और कौन सा वचन है, ऐसे ही दो नंबर का पूछता है, तो फलाए चतुर्थी विभक्त का एक वचन है। अब ऐसे पूछ लिया कि फलाए ये वाला, इसको पूछ लिया एग्जाम में, ये किस विभक्ति का और कौन सा वचन है, तृतीया विभक्ति का, तृतीया ही है ना, तृतीया विभक्त का बहुवचन है। पुनः देख लो, देखो अब इसको याद कैसे करना है, फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्यम फले, फलाय फलाभ्यम फलेभ्य, फलात फलाभ्यम फलेस, और फलस फलियो फलानाम, फले फलियो फलेसु, हे फल हे फले हे फलान, याद हो जाएगा। अब देखो यदि ऐसा नहीं याद होता तो ऐसा याद कर लो, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस फले हे फल। अब यहाँ पर फले फले फलाभ्यम 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 फले ओ फल, चाहे जैसे भी याद हो जाएगा, फलान फलान फले 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 फलानाम फले सुहे। तो देखो यदि ये याद हो जाता है तो यहाँ पर ये कुछ शब्द लिखे गए हैं, जैसे पुष्प का पत्र का जल का मित्र का वन का कमल का कुसुम का पुस्तक का ज्ञान का, ये सभी को मतलब इसी फॉर्म में वो भी चलेगा, इसी तरीके से वो भी चलेगा। जैसे मान चलो पत्र ही ले लिए, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रेन पत्राभ्यम पत्रे पत्रात पद, यहाँ पर देखो पत्राय पत्राभ्यम पत्रेभ्य, ऐसे बोल सकते हो ना, ये पत्र का भी ऐसे, कमल का भी, कुसुम का, पुस्तक का, ज्ञान का, वन का, मतलब सभी का इसी फॉर्म में चलेगा। तो यहाँ से कितने याद हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक या दस, बस याद हो जाएगा ना। दो तीन बार लिखो, उसके बाद इसको दो तीन बार पढ़ो और समझ लो, चाहे ऐसे ऐसे याद कर लो या ऐसे ऐसे। जय हिंद।